हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके हूँ आज आप लोगों के लिए सैंड रीडिंग, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग कौन सी है, वो देखेंगे। तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है कि आपके लिए सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, हो सकता है कि अब राइट नाउ के लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हों और कुछ आने वाले समय में आपको वो ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में आते हुए नजर आए। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी आपकी तरफ, कौन सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही हैं आपकी तरफ, वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्योर सोल हो। यहाँ पे इतनी क्लियरली मुझे ये मैसेज मिला, आप बहुत प्योर सोल हो, अपनी सोल पावर से आप जुड़ने जा रहे हो। जो भी आपकी सोल की पावर है, ये किसी तरह का गिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप सोल की पावर के साथ जुड़ने जा रहे हो। आप मुझे लगता है काफ़ी किसी तरह की स्पिरिचुअल स्पेसिफिक कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो आजकल। गाइडेड मेडिटेशन हो सकती है, म्यूजिक के साथ हो सकती है मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपके साथ काफ़ी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उसकी वजह से आप अपनी सोल के पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे सोल किसी की एक्टिवेट हो रही है, हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ रहे हो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बिवेयर ऑफ द पीपल, यानी कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो उनकी ओपिनियन से आपको अफेक्ट नहीं होना। जो कुछ लोग अपनी ओपिनियन को आपके ऊपर थोप सकते हैं, आपको किसी चीज के लिए ब्लेम कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे होता ना कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसमें आपके वर्क प्लेस पर कुछ लोग होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं बुली करते हैं, तो ब्लेम करते हैं। कुछ भी ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, ये घर परिवार में, रिलेटिव्स फ्रेंड्स में, अपने वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी। तो आपको उनकी ओपिनियंस से अफेक्ट नहीं होना है। तो जो भी उनकी ओपिनियंस हैं आपके बारे में, या आपको सामने बोल रहे हैं या पीछे बोल रहे हैं, आपको उन ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होने देना अपने आप को, राइट। ये मैसेज है आप लोगों के लिए स्ट्रांग। तो ये तो इम्पॉर्टेंट मैसेज हो गई, यानी कि गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आपका क्या सोल पर्पस है, आपको उसकी क्लैरिटी मिलने वाली है, उसको आपकी उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको समझ आने वाली है। तो ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग होगी। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी, आज की डेली रीडिंग में भी क्लैरिटी जो क्लैरिटी की कार्ड था वहाँ पर, ऑरिकल मैसेज था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सोल पर्पस की बारे में पता लगने वाला है। पूरी तरह चाहे पूरी पिक्चर ना आपको नजर आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर पता लगने वाला है। वो किसी रूप में भी पता लग सकता है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर सकती है आपको, किसी टैरो रीडर से पता लग सकता है आपको, आपके सपनों में दिखाया जा सकता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं, तो उससे आपको पता लग सकता है। किसी न किसी रूप में आपके आपके टीचर, आपके गुरु, आपकी इंट्यूशन, कहीं पर भी आपकी हायर सेल्फ आपको ये आप बता सकती हैं और आप कनेक्ट होने जा रहे हो। ये कईयों के लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग हो सकती है। आपका मन बहुत शांत होने वाला है, बिल्कुल पीस में जाने वाला है, तो ये भी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो अगर आप रिसेंटली उस पीस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या कुछ समय के लिए इम्बेलेंस हुए हुए थे, तो आप पीस से गहरी, मुझे बहुत ज़्यादा अभी ऐसे लग रहा है कि रीडिंग छोड़ के तो यहाँ पे गहरी आप पीस में जाने वाले हो, उससे आपका गहराई में आपका हार्ट चक्रा हील होगा।
बहुत गहरे गहरी पीस के साथ जुड़ोगे आप वो, और बहुत ज्यादा उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जुड़ते होगे, पहले भी इनर पीस को फील किया होगा आपने, लेकिन ये बहुत गहराई वाली पीस है, बिल्कुल शांत हो जाना। तो ये भी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं कुछ ऐसी एनर्जी से, कई बार ही नहीं भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं भी ज़्यादा बोलना चाहते हैं हम लोग किन्हीं सिचुएशंस में, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ भी ऐसा होता है, फिर उसके बाद याद आता है कि नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना था, तो आप वो शांति में जाने वाले हैं, साइलेंस से जुड़ने वाले हैं, उससे आप अब बोलोगे कम और साइलेंस से ज़्यादा जुड़ोगे। उस वजह से आपकी एनर्जी भी सेव होगी, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को सेव किया जा रहा है और आपको शांति से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। वाह, ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग हो सकती है यहाँ पर। आपको इस सून जो है कोई अपना फेवरेट फूड, आज ही हो सकता है जब आप इसको देख रहे हो, कभी भी आप सून कोई आपका फेवरेट फूड इंजॉय करने वाले हो, जो आपको बहुत फेवरेट फूड है आपका, कुछ भी, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी, तो जो आपका फेवरेट फूड है उसको आप इंजॉय कर सकते हो। आपका नाम एस से हो सकता है यहाँ पे, पर्टिकुलर सिर्फ एक लेटर मुझे यहाँ पे क्लियरली बहुत नज़र आ रहा है, या आपका कोई सोलमेट हो सकता है एस से जिसका नाम स्टार्ट होता हो, या आपका एस से हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है जिसका नाम एस से हो, वो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग आपको कहीं घूमने जाने को मिल सकता है, चाहे आप लोकल ही जाएं कहीं पर आप, आपको मौका मिलेगा ट्रैवलिंग करने का, किसी ट्रिप पर जाने का, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो चाहे वो लॉन्ग ट्रिप हो, तो वो आपको मौका मिल सकता है। अगर आप उस बारे में सोच रहे थे तो वो एकदम से प्रोग्राम बन सकता है कहीं आपके जाने का, घूमने जाने का। जो आप इनर पीस से जुड़ोगे ना, आप फील करोगे कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। तो जैसे मैंने आज कृष्ण का मैसेज भी दिया कि जब हम साइलेंस में जाते हैं ना, तो अपने आप हीलिंग होने लग जाती है, जहाँ पे भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोल को पता होता है। तो वही मुझे लगता है होने वाला है कि आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग, कि जब आप साइलेंस से जुड़ोगे, कि बहुत गहरे साइलेंस से आप जुड़ने वाले, बहुत गहराई वाली पीस से जुड़ने वाले हो, तो जब आप उससे जुड़ोगे ना, इतनी ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी उस वजह से, उस साइलेंट की वजह से आपका हील होगा, उस पीस की वजह से हील होगा, और आप फील कर पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा हील हो रहा है। आप वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे, उस हार्ट बीट को अपनी सुन पाएंगे, इतने ज़्यादा आप साइलेंट में चले जाएंगे। तो आज आपको मेडिटेशन, जब आप ये रीडिंग को कर पा रहे हो ना, तो आप मेडिटेशन से आप जुड़िए ज़रूर आज आप, तो हो सकता है कि मेडिटेशन के दौरान आप ये एक्सपीरियंस कर पाएँ बहुत गहराई, इनर पीस, और साथ में हार्ट चक्रा की हीलिंग आपकी, तो ये नेचुरल होगी, आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन नेचुरल हो जाएगी आपकी। किसी आप सून किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ सकते हो, आप ऑनलाइन भी या किसी और उसमें वे में,
कनेक्ट कर सकते हो, जो बहुत जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी, उनकी बातें बात करने का तरीका, उनकी जो स्पिरिचुअल हो सकता है ये पर्सन, कि उनकी बात किस तरह से कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत आपके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों की गहराई को सुनकर, उनकी स्पिरिचुअल जो हाई थिंकिंग है, जो वो जो भी हाई वाइब्रेशन की बातें कर रहे हैं या स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, उसको सुनकर, उनकी विजडम को से कनेक्ट होकर आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए ऐसी पर्सनैलिटी से। तो कहीं पे भी आप जा रहे हो, किसी जगह पर हो सकता है, कोई नेबर में हो सकता है आपके, कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके ऑनलाइन हो सकता है, किसी पर्सन की आपने वीडियो ऑन की तो आपको उसकी बातें बहुत ज़्यादा भा गई, अच्छी लगी, आप कनेक्शन फील कर पाए, कोई सोल, जैसे सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, तो इस तरह से आपने फील किया, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके लिए वो ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि आप उसका इम्पैक्ट होगा, तो उनकी बातों का, उनकी विजडम का आपकी सोल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। वाह, ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग हो सकती है। आपके लिए फाइनल गाइडेंस है यहाँ पर, फाइनल मैसेज है कि जो भी आप करना चाह रहे हो ना, जो भी आपके जहन में चल रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके शायद थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन से कनेक्टेड हो सकता है। तो मेरा एकदम से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया, तो आप वो उसको उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस एक्टिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपके ये कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, कोई भी स्किल हो सकता है, सीखना है आपको, सिखाना है आपको, उसके ऊपर काम करना है आपको, कोई आपका पैशन, कोई क्रिएटिविटी, कोई सेल्फ एक्सप्रेशन, कोई अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको, कोई वीडियो बनानी है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो ये आपकी गाइडेंस है, क्योंकि ये राइट समय है उसके साथ जुड़ने का, उस एक्टिविटी को साथ जुड़ने का और वो एक्शन लेने का, ये राइट समय है जिसको आपको अब ज़्यादा देर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टाइमिंग, उसके साथ जुड़िए और उसके साथ काम कीजिए, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड आपको आइडिया दिया जा रहा है। तो जब भी आपके कोई आइडिया आए इस रीडिंग को सुनने के बाद, कोई आइडिया आए या आपको समझ में आए कि हाँ ये काम आपका आप करने की सोच रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो वो वही है जिसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो भी, सॉरी, वो भी आपकी लिए ब्लेसिंग है, नेक्स्ट ब्लेसिंग, कि वो आइडिया जो है डिवाइनली गाइडेड आइडिया है, जो आपको एक्शन लेने के लिए जहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स में ऐड किया है यहाँ पर डिवाइन ने, ताकि आप इसको समझ सको कि वो एक ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपकी लाइफ में आना चाह रही है, जिसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट? तो ये थी आप लोगों के लिए सैंड रीडिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय फॉर नाउ।